हाय एवरीवन, हम तीनों को ट्रिपली मारते हुए देखकर आप लोग सोच रहे होंगे हम कहाँ पे जा रहे हैं, बट हम अपनी एक्टिवा को पार्क करेंगे अपनी फ्रेंड के घर और आज हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब में दर्शन करने के लिए। यस, सभी फ्रेंड ने डिसाइड किया था, चलते हैं। काफ़ी टाइम के बाद हम सभी मिल रहे थे तो हम ऑटो में बैठ चुके थे, चलो चलते हैं गुरुद्वारा साहब में दर्शन कर। और हम जैसे ही ऑटो में बैठे इतनी मस्ती कर रहे थे, मेरे तो बाल उड़ते जा रहे थे, इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, खप कर ही जा रहे थे कि जो ऑटो वाले भैया थे वो भी देखे जा रहे थे कि गर्ल्स कर रही हैं तो क्या कर रही हैं। हमने सोचा क्यों ना चलते चलते हम कप डाल लेते हैं, तो इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था ना हम सभी को, मतलब पूछा जा रही है। तो गाइस हम ऑटो में बैठ चुके हैं। अच्छा, तो फिर क्या करें हम? फाइनली अपनी मंजिल तक पहुँच जाए कि हम जहाँ जा रहे हैं। तेरी मंजिल तेरे को नहीं मिलेगी, मिलेगी मिलेगी आज मिलेगी। जैसे तेरे लग जाए तुझे तो शमशान घाट भी ना तो फाइनली हम मेन रोड पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से गुरुद्वारा काफी नजदीक है और हम ऑटो में इसलिए रुके थे क्योंकि इतना ज्यादा रश पड़ रहा था। मैं आपको अभी रश दिखाती हूँ। और ये जो एरिया है बेसिकली ये क्लॉक टावर है, घंटाघर है। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है कि यहाँ पे ऑटो पे ऑटो चढ़े होते हैं, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। संडे के टाइम पे इतनी ज़्यादा रश होता है और लोग भी देख रहे थे कि हम ऑटो में बैठ के क्या मस्ती कर रहे हैं। और मस्ती तो ठीक है, अंशु भी सुधर नहीं रही थी, इतने ज़्यादा पंगे ले रहे थे और हम इतना ज़्यादा फन कर रहे थे, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और रश में मैंने सोचा क्यों ना अपने आप को भी कैप्चर कर लूँ। तो बहुत ज़्यादा रश है, पता नहीं हम पहुँच पाएंगे भी कि नहीं। आज पप्पू मेरी हंस ले, खुशी हंस ले, अच्छे से हंस ले। ये ऐसे चुप रही जैसे इसके लिए रिश्ता आया हुआ है। आज हम पहुँच जाएंगे, बहुत ज्यादा रश है, मतलब बहुत ही हंस। देखना कैसे है, क्या नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं हूं भाई, सब नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, ये लगता फॉरेन से आई रहती है। हमने फॉरेन से आई है निकला। हम जैसे ही पहुंचने वाले थे रास्ते में हमें शीतला माता के दर्शन हुए, ये बहुत अच्छी बात। क्या बोल रही थी तू? कुछ नहीं, हम जा रहे गुरुद्वारे। और इसको देखो कैसे शर्म आ रही है, हमारी वीडियो बना रही, खुद नहीं आती है ये, इतनी सादा औरत है दोस्त। रास्ते में बहुत ज़्यादा रश था तो मैंने अपने आप को कैप्चर करना स्टार्ट किया, तो मेरी फ्रेंड मेरे से काफ़ी ज़्यादा पंगे ले रही थी। फिर रास्ते में लोग भी देख रहे थे कि हम लोग कर क्या रहे, ऑटो में बैठ के कैमरा लगा रखे हैं। और इतना ज़्यादा रश था, ऑटो ऐसे चल रहा था जैसे मतलब हम पैदल ही चल रहे। और ये मेन मार्केट है हमारे उधर की घंटाघर, जो इतना रश होता है यहाँ पे निकलने तक की जगह नहीं है। जोक सपाट पर यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा देख सकते थे, इतना ज़्यादा रश था क्योंकि संडे है और आज सारी सेल्स बाहर आ जाती हैं तो लोगों का काफ़ी रश था। और अंशु को भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, काफ़ी ज़्यादा हम फन कर रहे थे। फिर हम पहुँचने वाले थे गुरुद्वारा, इससे बस थोड़ी सी नज़दीक था तो हम फाइनली पहुँच चुके थे। और अंशु को देख सकते हो ये बहुत नहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। आज हमने दर्शन करने थे तो हम गुरुद्वारा पहुँच चुके हैं। आप दूर से देख सकते हो कि ये हमारा दुख निवारण गुरुद्वारा है जहाँ पर हमारे सारे दुख हर लिए जाते हैं। तो चलो चलते हैं हम गुरुद्वारा दर्शन करते हैं। जैसे ही हम दरबार साहिब में चलने लगे तो सबसे पहले हमें अपने पैर धोने होते हैं, यहाँ पे एक इसका रिचुअल है। फिर हम जल्दी से गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और गुरुद्वारे में सिर पर चुन्नी होना बहुत ही बहुत ज़रूरी है, ये यहाँ का रिचुअल है और हमें जो कि फॉलो भी करना चाहिए। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें दुख निवारण गुरुद्वारे में दरबार साहिब के दर्शन होते हैं और हम दर्शन यहाँ से कर लेते हैं। और बहुत ही बहुत अच्छा सजा हुआ है हमारा दरबार, तो हमने जल्दी से यहाँ पर दर्शन किए। फिर हम आगे गए तो यहाँ पर सभी पाठी पाठ पढ़ रहे थे और हमने यहाँ भी दर्शन के। फिर हम यहाँ पे बैठ के हमने 5 मिनट तक ब्लेसिंग्स ली गुरुद्वारा साहिब से, तो जो कि हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हों वो बाबा जी हर लें और हम सभी खुश रहें, अपनी लाइफ में अच्छे से काम करें, अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करें। वो तो बिजी है।
फाइनली हमारे दर्शन हो चुके थे, फिर हम गुरुद्वारे से नीचे उतर के हम जाए थे लंगर हॉल की तरफ। हमने सोचा क्यों ना प्रसादा भी खाया जाए, तो हम जल्दी से लंगर हॉल की तरफ गए और वहाँ से हमने फिर जल्दी से सोचा क्यों ना लंगर भी खा लेते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो हम यहाँ पर बढ़ते हुए नीचे जाते हैं। तो यहाँ पर फिर लंगर की तैयारी चल रही है, काफ़ी आंटियाँ यहाँ पर बैठी हुई थी, फिर हमने भी प्रसादा शक लिया था और बहुत अच्छा था और बहुत सारी अच्छा अच्छा हमें फीलिंग हो रहा था। तो फाइनली हम गुरुद्वारे से बाहर आ चुके हैं और ये इसका मेन गुरुद्वारा है दुख निवारण। तो चलो मिलते हैं।